अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल की, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये भूख हड़ताल विश्वविद्यालय में लंबे समय से कुछ मुद्दों के समाधान को लेकर हुई। SFI की सीटों में वृद्धि, जिसका सालाना खर्च 2.5 लाख के करीब है, जिस कारण आम वर्ग कृषि शिक्षा पाने में असमर्थ है, और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा रिटायर प्रोफेसर को री एम्प्लॉयमेंट देकर रखा जा रहा है और युवाओं को रोजगार से वंचित किया जा रहा है। इस प्रकार की कृषि विश्वविद्यालय की नीतियों के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में दोपहर 3 बजे से 19 फरवरी यानी कल दोपहर 3 बजे तक सांकेतिक भूख हड़ताल की जा रही है। नमस्कार, निखिल चंदेल, प्रांत संयोजन संयोजक एग्री विजन। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर इकाई द्वारा भूख हड़ताल की जा रही है, जिसके जो मुख्य बिंदु है वो है कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और नौणी विश्वविद्यालय में अत्यधिक फीस, SFS सीट्स जो कि सेल्फ फाइनेंस सीट्स होती है उसका बढ़ती जा रही है, और री एम्प्लॉयमेंट द्वारा कुछ शिक्षकों को रिटायरमेंट के बाद वापस रखा जा रहा है, जिस कारण जो है यहाँ के युवाओं को जो PhD करते हैं, MSc करते हैं कृषि में बागवानी में, उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। ये हमारी केंद्र बिंदु है, इन पे हम आज भूख हड़ताल कर रहे हैं। ये भूख हड़ताल कल आज दोपहर 3 बजे से शुरू हुई और ये कल 3 बजे तक चलेगी। इसके बाद ये एक सांकेतिक भूख हड़ताल है जो कि एक दिन की है। इसके बाद अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है एक उग्र आंदोलन पूरे प्रदेश में करेगी। जहाँ तक हम कृषि शिक्षा को की बात करते हैं तो कृषि शिक्षा जो है वो बहुत ही मध्यम वर्ग के जो परिवार है, जिनके जो पेरेंट्स होते हैं वो कृषक होते हैं, वो इस शिक्षा को लेने के लिए आते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इतनी फीस बढ़ा दी चुकी है कि एक साल का खर्चा दो लाख तक पहुंच गया है। अगर हम हमारे आसपास के विश्वविद्यालय देखें, जैसे कि हिसार विश्वविद्यालय जहाँ 15,000 रुपये फीस है, और ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें, राजस्थान में तो कहीं कहीं 1500 फीस है एक पूरे सेमेस्टर की। तो कहीं ना कहीं हमारी जो राज्य सरकार है वो मध्यम वर्ग को कृषि शिक्षा से वंचित रखने का काम कर रही है। अगर हम बात करें किसान के बच्चे की, किसान का बच्चा जो जिसको अच्छी शिक्षा। राहुल शर्मा, प्रांत सहमंत्री, विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, आज कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में जो है एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल जो है आज से लेकर कल लगभग 3 बजे तक, आज 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक जो है सांकेतिक भूख हड़ताल जो है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं एवं जो है कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के छात्रों के द्वारा जो है एक संयुक्त रूप से की जा रही है। मांगे प्रदेश की सरकार को एवं प्रदेश के सरकार के मुखियों को भली भांति परिचित हैं। मांगे हैं हमारी छात्र संघ चुनाव जिनको बहाल किया जाए, हमारे जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उन्हें वो दिया जाए, IC रोल में जो फीस वृद्धि हुई है उसको कम किया जाए, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में जो फीस वृद्धि, अत्यधिक फीस वृद्धि जी हम कह सकते हैं, लगभग 70,000 रुपये जो है पूरे सेमेस्टर की फीस जो है कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का एक छात्र जो दे रहा है, 2 लाख रुपये जिससे जो साल की फीस है कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में पढ़ रहे छात्रों की, वो कम की जाए, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर किसान किस कृषि के क्षेत्र से आने वाला छात्र मुझे नहीं लगता कोई 2 लाख रुपये फीस जो है कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की शिक्षा ग्रहण करने के लिए दे सकता है। और दूसरा, री एम्प्लॉयमेंट। कृषि विश्वविद्यालय में एक बहुत ही गोरख धंधा जो है चरम सीमा पर है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में जो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट जो बच्चों के ऊपर जो बोझ डाला जा रहा है, उसी बोझ से जो है 50,000 रुपया प्रति, जो 50,000 रुपया निकाला जा रहा है, उस 50,000 से एक जो है रिटायर्ड प्रोफेसर को, रिटायर्ड एंड ट्राइड प्रोफेसर्स को दोबारा जो है यहाँ कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में नियुक्त किया जा रहा है। और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो छात्र BSc MSc और PhD कर रहे हैं और उसके बाद लगभग 15 से 18 लाख रुपया भरने के बाद जो PhD की डिग्री की उपाधि जो ले रहे हैं उसके बाद भी उन्हें अगर रोजगार नहीं मिल रहा, तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के लिए और हमारे। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए पालमपुर से कविता मिनास की रिपोर्ट।